गांव गांव ले आइस पुकार, गरीब के चावल खा के भूपेश सरकार के तर्ज में बीजेपी सरकार ह राज्य सरकार ल घेरे के काम करत हे। कोरबा जिला में प्रदेश पार्टी के आह्वान में भाजपा पदाधिकारी मन सोसाइटी के आगू धरना प्रदर्शन करके आवाज मुखर करीन और सीधा सीधा आरोप लगात कहीन के कांग्रेस सरकार भ्रष्ट सरकार है। कोरोना काल में प्रत्येक हितग्राही मन ल केंद्र सरकार ले 5 किलो चावल देना रही, लेकिन लबरा सरकार ह गरीब मन ल धोखा दे के करोड़ों रुपया चावल के हेराफेरी करीस। कईयों से ये प्रश्न करने के लिए उपस्थित हुए हैं कि जो मोदी जी कोरोना काल में 6 महीने के लिए 5 किलो प्रति व्यक्ति अतिरिक्त चावल की जो व्यवस्था दिए और ऐसे संवेदनशील प्रधानमंत्री जी के जो निर्णय को प्रदेश सरकार घोटाले के रूप में तब्दील कर रही है और उनके अतिरिक्त 5 किलो चावल को खा रही है, गबन कर रही है, राशन दुकान तक पहुँचने नहीं दे रही है, तो इसके लिए हम लोग पूरे प्रत्येक राशन दुकान में 7 तारीख और 8 तारीख को धरना दे रहे हैं। इसी तारतम्य में आज पथरी पारा के राशन दुकान में हम सब उपस्थित हुए हैं। सब हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं हितग्राहियों के पक्ष में और उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए कि भूपेश बघेल जी मोदी जी के चावल को देना होगा, देना होगा। और गांव गांव से ऐस पुकार कि हमर चौर खागिस भूपेश सरकार, ये सब नारा लेकर हम सब उपस्थित हुए हैं और इस बड़े घोटाले के लिए भूपेश बघेल जी अपना इस्तीफा दें, आम जनता से माफ़ी मांगे और इस घोटाले में जितने संलिप्त हैं उनके जांच कराएं। विषय ये है कि 1500 करोड़ का घोटाला राज्य सरकार का जो भूपेश सरकार है उसका सामने आया है। जो रेशन दुकान में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कोरोना काल में 5 किलो अतिरिक्त चावल जो रेशन दुकान रेशन में मिल रहा है उसके अतिरिक्त 5 किलो जो चावल एक्स्ट्रा पर पर्सन दिया जा रहा है उसका पूरा घोटाला राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है और रेशन दुकानों में आने नहीं दे रहे हो चावल को, वही गरीबों का निवाला जो है वही से छीना जा रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। इसी के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी 2 दिवसीय धरना सभी बूथ स्तर में मंडल स्तर में किया जा रहा है और 11 और 12 तारीख को विधानसभा स्तरीय धरना बड़ी आंदोलन के रूप में किया जाए।